हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। आई एम योर होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इनकम टैक्स में ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के केस में कैपिटल गेन टैक्स जो आता है उसमें क्या बदलाव हुए थे वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है कि 1 अप्रैल 2018 से ये एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2018 से, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था किसमें, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी ये डेफिनेटली लिस्टेड कंपनीज के हैं जहां पे ट्रांजेक्शन एसटीटी पेड ही हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड ऑफ होल्डिंग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टू डिसाइड वेदर द कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वी शुड अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज द व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो इक्विटी शेयर्स के केस में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट के केस में, अगर होल्डिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग डेट के बीच का जो डिफरेंस है, इफ इट इज मोर देन 12 मंथ्स देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म, इफ इट इज लेस देन 12 मंथ्स देन इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म। इसके आगे दोस्तों कि चेंज क्या हुआ है, तो पहले तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था उस पे कोई टैक्स नहीं था 31 मार्च 2018 तक, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 उस पे टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था और वो टैक्स का रेट था 10% ऑन द कैपिटल गेन। लेकिन ये टैक्स तभी देना पड़ेगा जब टोटल कैपिटल गेन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹1 लाख। तो पहले 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख के ऊपर जो भी उसका कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म उस पे टैक्स 10% से लगेगा। अभी इसमें एक बेनिफिट भी दिया गया है टैक्स पेयर को इन द अंडर द हेड ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस। तो एग्जैक्टली ये प्रोविजंस क्या है वो देखेंगे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो या तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑफ 31 मार्च 2018 विच एवर इज हायर ये कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे। तो इलुस्ट्रेशन वन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेट्स अंडरस्टैंड कि 1 जनवरी 2016 को एक्वायर किए थे फॉर ₹100, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018। नाउ दिस इज द डेट विच इज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री, सो इसमें कोई अपील नहीं है, दैट इज अ फिक्स डेट जो हम लोग को देखनी है। और इस डेट की जिस जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी लिस्टिंग वाली एक्सेल शीट इज अवेलेबल रेडिली, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। तो फेयर मार्केट वैल्यू लेट्स अज्यूम इन दिस केस इज ₹200 और 1 अप्रैल 2000 को ये बेचा हुआ है। द प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, सो आई हैव टेकन दिस डेट एज 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को जो सेल वैल्यू है वो है ₹250। अभी नॉर्मल केस में इस पे कैपिटल गेन हो जाता था ₹250 माइनस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100, विच वुड हैव बीन ₹150। बट ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन, जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू या तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑफ 31 जनवरी 2018 विच एवर हायर नीड्स टू बी कंसिडर्ड, तो यहाँ पे हमारी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 200, हायर बिटवीन 100 एंड 200। तो यहाँ पे कैपिटल की गेन कितना होगा दोस्तों, तो ₹50 हो गया, क्योंकि 250 इज द सेल्स प्राइस और डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही 200 है। तो क्या इसमें टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल रहा है? जी हाँ, जरूर मिल रहा है। नाउ देयर विल बी अ लोअर कैपिटल गेन एंड रिजल्टिंग इन टू लोअर कैपिटल गेन टैक्स ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑफ 31 मार्च जनवरी 2018। और एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस है, ऐसा भी एक उल्टा एग्जाम्पल देखेंगे। तो 1 जनवरी 2016 को कॉस्ट एक्वायर किया था इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट जिसकी वैल्यू थी 100, FMV as of 31 मार्च 18 was 50, sales value as of 1 अप्रैल 18 was 150। तो यहाँ पे deemed cost of acquisition क्या रहेगा? तो original cost ही रहेगा, क्योंकि higher is original cost between cost of acquisition and fair market value। So again capital gain कितना आएगा इस केस में? तो ₹50 का capital gain आएगा। इसके बाद एक illustration लेंगे जहाँ पे there is a arbitrary loss। आर्बिट्री लॉस का मतलब क्या है दोस्तों, कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑफ 31 जनवरी 18 इज लेसर देन द सेल्स वैल्यू। इस केस में इन दोनों का हायर नहीं लेना है दोस्तों, हमको कौन सा हायर लेना है? तो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, विच एवर इज हायर हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा 100, विच इज हायर बिटवीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड सेल्स वैल्यू, और इसीलिए
कैपिटल लॉस विल बी देयर, इट इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ लॉस, तो इसमें कैपिटल लॉस कितना आएगा, 50 माइनस 100 रुपीज 100। और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों क्लैरिटी के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑफ 1 जनवरी वॉज 2016 वॉज 100, फेयर मार्केट वैल्यू 250 और सेल्स वैल्यू है 150 एज ऑफ 1 अप्रैल 2018। तो क्या ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? यस होंगे। तो इसमें किस कौन सा हायर कंसिडर किया जाएगा, तो ये आर्बिट्री लॉस का केस है, अगेन 200 इज हायर देन 150, इसीलिए हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड सेल्स वैल्यू लेना पड़ेगा, सो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बिकम 150, हायर ऑफ 100 एंड 150। तो इस केस में सेल्स वैल्यू 150, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 150, कैपिटल गेन विल रिजल्ट इनटू नील। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो ऑन ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस और चेंजेस इन द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। आई थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस ड्यूरिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।